नमस्कार, मैं हूं पंडित अम्बरीश शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ गराज। देखिए, नया सप्ताह फिर से स्टार्ट और हमारा फिर से एक नए रूप में नए राशिफल को डिस्कस करते हैं। आई होप कि हमारा ये राशिफल बताना आपके लिए फ़ायदेमंद होता होगा और आप अपने विचारों से और अपनी योग्यता से तो आगे तरक्की कर ही रहे होंगे। तो फिर शुरू करते हैं मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि जो है उसका मालिक मंगल है और ये पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। मेष राशि के जातकों के विषय में अगर आज कहा जाए तो काफ़ी होपलेस सा फील कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप होपलेस हैं। आपकी काम की शैली बहुत अच्छी है, आपको लोग पसंद भी करते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि आप सेल्फ डोमिनेशन से परेशान हैं। आपको ये लगता है कि आप सेल्फ डोमिनेट कर खुद को कर रहे हैं, मेरा कोई नहीं है ऐसा वैसा। ये सब बेकार की बात है, ज़्यादा सोचिए मत, ये सब ठीक है। कोई ना कोई उत्सव और त्यौहार से मन में खुशी होगी। कोई ऐसा काम जिसके कारण आपको डर लग रहा था वो भी इजिली हो जाएगा। रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सफोकेट हो रहे हैं, जो भी जो धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आती जाएंगी। गौर करेंगे मध्य के बाद से बिजनेस थोड़ा सा अच्छा होगा, पर एकाकीपन के चलते जो है आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये थोड़ा सा एक तकलीफ आपको रहेगी। लोहे से जुड़े हुए व्यापारी और ऐसे व्यापारी जो कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, वो कपड़े खासतौर से जो घर बनाने इत्यादि में टेंट इत्यादि में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा समय है। अगर मैं कहूँ एजुकेशन के हिसाब से तो विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा मध्यम चल रहा है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की छोटी मोटी तबीयत से आपको तकलीफ हो सकती है, वैसे ये सप्ताह आपके लिए मध्यम ही रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के विषय में। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और ये दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। वृषभ राशि के जातक थोड़ा सा अपने आप की एक्टिविटीज़ जो होती है वो थोड़ा सा चेंज करें। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर काम आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी। आप थोड़ा यात्राओं में या फिर संभावनाओं में ज़्यादा अपने आप को डेवलप करें, बूस्ट करें। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा बेहतर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आ सकते हैं। यात्राओं से विशेष लाभ होगा, जल से जुड़े हुए कार्य बड़े सफल होंगे। खासतौर से ऐसा चीज़ जो लोहे से जुड़ा हुआ है लेकिन आप उसे पॉलिश करके बेचते तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। स्क्रैप से जुड़ा हुआ काम करने वालों का डेवलपमेंट निश्चित ही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर समय है। यदि आप किसी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तो वो भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय होगा। ऐसे लोग जो पुलिस विभाग इत्यादि में कार्य कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत करें, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप अपने माता पिता के चरण को छुएं। हेल्थ इश्यूज़ पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के। तो इस राशि का जो स्वामी होता है वो बुध माना जाता है और ये पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। बुध जातक, बुध के कारण आपका इम्पैक्ट जो आपकी राशि में पड़ रहा है वो बहुत अच्छा पड़ रहा है। आप अच्छे डिसीजन लेते जा रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा आपका मेल मिलाप होता जा रहा है। खासतौर से ऐसा काम जो किसी से मिलाकर और उससे फ़ायदा कमाना, जैसे कमीशन इत्यादि का काम या किसी को एडजस्ट कराने का, कोई काम सेटल कराने का और उसके बाद पैसे कमाने का, ये बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। यदि आप HR या MBA कर चुके हैं या फिर आप किसी प्रकार के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। आप अपने टारगेट लिमिटेड समय में अचीव कर लेंगे, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का डिप्रेशन ना पालें, ऐसा ना सोचें कि आप कुछ नहीं कर पाते। अपनी वर्थ, अपनी कीमत को आप पहचानें। अगर आप एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का समय है। चीज़ों को टालने की आदत आपको कोई भी चीज़ बड़ा हैवी दे सकती है, तो प्लीज़ अपनी मेहनत करें, इधर उधर की बातों से थोड़ा सा दूर रहें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, कर्क राशि जो होती है उसका स्वामी चंद्रमा होता है और ये उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। आप अपने मंतव्यों को दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। अगर आप जो सोच रहे हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो दूसरे पर ना थोपे, उसे रियलाइज़ करने दीजिए। हो सकता है दूसरा गलती करके ही सीखने के मूड में हो। ज़्यादा आप अगर फोर्स करेंगे तो उसे ये रियलाइज़ होगा कि ये इसका क्या फ़ायदा। आजकल लोगों को अपने फायदे से ज़्यादा दूसरे का फ़ायदा जल्दी दिख जाता है। तो यदि आप किसी को एडवाइस करेंगे तो सोचेगा भाई इसका क्या फ़ायदा, ये क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो प्लीज़ किसी को एडवाइस ना दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपका व्यापार या आप अगर जॉब करते हैं, खासतौर से वो जॉब जो डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद हैं। थोड़ा थोड़ा आपको गैस की समस्या या पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये समस्याएं आपको कम हो तो खाने पीने में थोड़ा संयम रखें। बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छी सफलताओं को लेकर, खासतौर से ऐसी सफलताएँ जिन पर आप
भरोसा भी ना कर पा रहे हों, ऐसी सफलताओं को आपको ज़रूर देगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो अपनी माता को प्रणाम करें और माता का आशीर्वाद लेके घर से निकलें। हेल्थ इश्यूज़, खासतौर से पैर से जुड़ी हुई समस्या और यूरिन से जुड़ी हुई समस्याओं का थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी पड़ सकती है। बात करेंगे सिंह राशि के विषय में, तो देखिए सिंह राशि का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है और ये पूर्व दिशा का स्वामिनी कहलाता है। सिंह राशि के जातक आज अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करा रहे हैं, खासतौर से वो काम जो उनके नहीं हो पा रहे थे वो होने लग जाएंगे। भूमि से जुड़ा हुआ काम, खासतौर से राजनीति के क्षेत्र में, खासतौर से उससे भी अगर देखा जाए तो सेना से जुड़े हुए कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रॉफिटेबल है। अगर आप खासतौर से पानी से जुड़ा हुआ तरल पदार्थ में, खासतौर से केमिकल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। थोड़ा संभल के भरोसा करें, थोड़ा रुक कर काम करें तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो भगवान शिव की आराधना करना ज़रूरी है। थोड़ा सा आँखों में तकलीफ और अजीब सी घबराहट होने के कारण आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के विषय में, तो देखिए कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो भी बुध होता है और ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। कन्या राशि के जातक खास तौर से मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कोडिंग और कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य को कर रहे हैं तो आपके लिए तरक्की का बेहतर समय है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए भी बेहतर परिणाम आएंगे। अगर आप किसी के साथ प्रपोज कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए आप अपने विवाह के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा संभल के बढ़े। मुझे लग रहा है कि अपने जीवन साथी के बारे में बाकी जानकारियाँ एकत्र कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने गार्जियंस या अपने अच्छे अभिष्ट मित्रों को भी, वो मित्र जो आपकी हाँ में नहीं मिलाते, वो मित्र जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे मित्रों के साथ आप बैठकर डिस्कशन करें। हो सकता है वो आपकी बुराई या आपसे होने वाली समस्याओं को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। किसी प्रकार की समस्या हो तो भगवान शिव की आराधना करें, शेष हर सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा आपका। बात करेंगे तुला राशि के विषय में, तो तुला राशि का जो स्वामिनी होता है वो शुक्र होते हैं, ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है। तुला राशि के जातक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यदि आपका किसी प्रकार का टायरों का या ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो ये बहुत अच्छा जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़े हुए, खासतौर से दूध मक्खन इत्यादि डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बेहतर समय चल रहा है। यदि आप किसी प्रकार से फैशन डिजाइनर है और या मेकअप आर्टिस्ट है तो आपको भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़ा सा हर्डल है, थोड़ा सा सरदर्द इस समय आपको हो रहा है, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका लेजीनेस आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। ये सप्ताह के लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप आलस्य को बिल्कुल त्याग दें, कि अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। मुझे लग रहा है कि आप अपने आलस्य या जाने दे वाले एटीट्यूड के चलते बहुत कुछ खो देंगे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में, तो देखिए इसका जातक का स्वामी जो है यह ग्रह मंगल होता है, ये उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। वृश्चिक राशि वाले अपनी आदतों के चलते बहुत फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, खासतौर से आप खुद को इतना परेशान कर रहे हैं कि कोई चीज़ दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थोड़ा सा विरोध आपका लोग कर रहे हैं पर इससे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लोग विरोध करते ही रहते हैं और आपका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। भाई सीधी सी बात है, बुरा उसके लिए बोला जाता है ना जो सफल हो। तो आप अपने कैपेसिटी, अपनी क्वालिटी पर भरोसा करिए, खासतौर से राजनीति से जुड़े हुए क्षेत्र, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए, खासतौर से वो लोग जो शिक्षा देने का काम करते हैं उनके लिए बेहतर लाभप्रद समय है। मध्य के बाद आपको विशेष आय की संभावनाएं हैं। किसी प्रकार के बातों को आप थोड़ा सा ओपनली कह दीजिए, हेजिटेट मत करिए। बात छुपाने के चक्कर में ना क्या होता है कि लोग आप पे शक करने लगते हैं, तो बात छुपाइए नहीं, हर बात को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। और याद रखिए किसी को बुरा लगना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका सच लगना इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुन सकता, तो आप बुरा ना बोले पर एक हिंट प्रॉपर तरीके से जरूर दें। संबंधों को बनाने में विशेष ध्यान दें। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे धनु राशि के विषय में, तो ये देखिए पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है और इसके जो मालिक होते हैं वो गुरु होते हैं। बहुत बेहतर पीरियड आपका चल रहा है, खासतौर से जितनी पुरानी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही। हाँ, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है ये एक्सेप्ट करते हैं, और ये पूरे हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। खासतौर से आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसा घर इत्यादि आप अपना बनवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती हैं। लोहे के व्यापारी, कॉपर के व्यापारी, लिक्विड संबंधित व्यापारी जो केमिकल्स का बिजनेस करते हैं, खासतौर से वो केमिकल्स जो घर बनाने के लिए उपयोग होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर पीरियड चलेगा। कुछ विशेष लाभों के चलते आपको बड़ी प्रसन्नता होगी।
बात करेंगे मकर राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, मकर राशि का स्वामी जो होता है वो शनि होता है और दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। मकर राशि के जातक थोड़ा सा अपनी आदतों पे कंट्रोल करें। मुझे लग रहा है कि द्यूत जो जुआ इत्यादि होता है, या किसी बात पे शेयर पे पैसा इन्वेस्ट करना, या किसी बात पे आप अगर अचानक शर्त लगा के इत्यादि काम करते हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा नुकसान उठाने की संभावना है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, खासतौर से वो अगर अपने टीचरों या अपने जो मार्गदर्शक हैं उनकी अगर आप बात को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप वो अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप फॉरेन में जाके पढ़ाई इत्यादि करना चाहते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए चल रहा है। आप इस बात को सबसे पहले भूल जाइए कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है या आपको लोग फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आप अपने गोल को बस ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। मुझे लग रहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको विचलित करे, रिलैक्स रहिए, बस यही एडवाइस है। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, इसका भी स्वामी शनि होता है और ये पश्चिम दिशा की मालकिन होती है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं चीज़ से, अपने रिलेशनशिप से, अपने वर्किंग से, और यही आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है। आपको चाहिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सपोज करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को दिखाएं। आय के लिए बहुत अच्छे साधन जम रहे हैं, खासतौर से यदि आप वाहनों का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका बिजनेस है तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। कोयले के व्यापारियों को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है या किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है, इससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए विषय के मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा प्लीज़ आप अगर कोई सी प्रकार का गलत काम ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है। आपका धन का आवागमन बहुत अच्छा जाएगा। छोटे मोटे कर्जे देने पड़ सकते हैं या लेने भी पड़ सकते हैं, पर वो नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आप अगर कोई समस्या हो तो भगवान शिव की आराधना करें। बात करें मीन राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, इस राशि का स्वामी भी गुरु होता है और ये उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी कमियों को थोड़ा पहचानिए। आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर ही जाते हैं, खासतौर से घर में छोटे मोटे विवादों का सामना करना पड़ेगा। पत्नी बच्चों से थोड़ा बहुत छोटा मोटा विवाद हो सकता है, पर धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। मध्य में थोड़ा सा आपकी हेल्थ इशू थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, खासतौर से आँखों में जलन, पेट में कोई तकलीफ होगी, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लेना परमावश्यक है। वाहन इत्यादि चलाने में आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि यात्राएं बहुत होने वाली हैं इस समय आपकी, तो प्लीज़ ध्यान दें अपना। अगर इसी प्रकार की समस्या हो तो भगवान विष्णु की आराधना करें, आपके लिए समय बड़ा अच्छा जाएगा। तो ये है इस सप्ताह का राशिफल। हम सोचते हैं कि ये राशिफल आपके किसी ना किसी काम आए और आप तरक्की करें, खासतौर से आपकी मेहनत आपके भविष्य को बेहतर बना सके। बस यही आशा के साथ नमस्कार।